सरकार के लोगों ने इस विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत किए, इससे कि जो संवैधानिक और वैधानिक पृष्ठभूमि थी इस विषय की, वो डॉक्टर पांडे ने और अन्य वक्ताओं ने काफी विशद रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। ये ऐसा नहीं है कि इस विषय पर यह चर्चा अभी हाल में ही शुरू हुई, ये चर्चा बहुत पुरानी है। मैं 2008 में यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, ये चर्चा उस समय भी मौजूद थी। और इस जो संवैधानिक प्राविधान है कि एक लोकल बॉडी होनी चाहिए हर भारतीय नागरिक के लिए, ये पुराना प्रावधान है और ये पहले से भी स्पष्ट है। और इसको ढकने के लिए भी बीच बीच में अथॉरिटी ने कुछ प्रयास किए, जैसे ये ब्रजेश कुमार जी का जो नोट आपके माध्यम बीच में आया है, इसमें लास्ट में सिटी मैनेजमेंट काउंसिल फॉर द सिटी रखी गई, ये 2002-2003 का प्रयास है। और उन्होंने स्वयं अपने नोट में स्वीकार किया है, सब्सिक्वेंटली द सिस्टम वॉज अलाउड टू गो इन टू डिस्यूज एंड विदर अवे, न तो उस सिस्टम को शुरू किया गया और समाप्त भी होने दिया गया। तो जितने प्रयास इस सिलसिले में हुए, अर्थात एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस नगरीय क्षेत्र में लाने के, आपने सेंसस टाउन की बात बताई, सब बातें स्पष्ट हो गए। और यह स्पष्ट है कि दी फैक्ट्री एंड दी जूरे ये एक शहर है संविधान के हिसाब से भी और हमारे फिजिबिलिटी या व्यवहार के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद ये शहर नहीं बन पाए। जो व्यवस्था इसको मैनेज कर रही है अर्थात अथॉरिटी, वो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप को मैनेज करने वाली व्यवस्था है, और उसके जो अधिकारी हैं राइट फ्रॉम चेयरमैन एंड सीईओ, उनका जो मानसिक एटीट्यूड होता है, जैसे किसी एक व्यक्ति के प्रिजुडिसेस या एटीट्यूड होता है, ऐसे विभिन्न संस्थाओं के भी एटीट्यूड या प्रिजुडिसेस हो जाते हैं। तो मैंने उनसे 1.5 साल ये लड़ाई लड़ी है, लोकल परसेप्शन वर्सेस अथॉरिटी परसेप्शन। अथॉरिटी परसेप्शन एक इंस्टीट्यूशनल वे में, जैसा विद्यम साहब ने भी बताया, यही है कि हमारा मेन जॉब टाउनशिप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज द बेसिक थिंग, उसमें ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ने की बात भी शामिल है। जब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये एक कंसेप्ट के तौर पर दिया था कि आपको सेक्टर और गांव का बराबर विकास करना पड़ेगा, उस समय इस बात का अथॉरिटी में इंस्टीट्यूशनल वे में बहुत सख्त रेजिस्टेंस था कि हम पैसा लेते हैं उस आदमी से जो यहां पर बसने के लिए आए, और इस पैसे को हम गांव पर खर्च नहीं कर सकते। दैट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इवन फॉर रूरल रोड्स और ओपनिंग स्कूल्स इन द विलेजेस। तो ये लड़ाई काफी लंबी हो चुकी है और इसके जो अभी समाधान यहां रखे गए हैं, इस बात पर मोर और लेस सभी लोगों में आज सहमति है कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आना यहां पर लाजमी है, मैंडेटरी है, आवश्यक। इसको हम लोग टाल सकते हैं कुछ समय के, लेकिन इसको हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता। पर उसके बावजूद ये काफी लंबा समय हो चुका है। अब इसके तीन विकल्प, जैसे आज की जो मुख्य गोष्ठी का विषय था, क्या विकल्प बनते हैं, मैं बस अभी इसको बात को समाप्त करता हूं। एक विकल्प तो यह है कि जो वर्तमान व्यवस्था है इसको चलने दिया, इस व्यवस्था ने बहुत काम किया, आज का नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसी व्यवस्था ने पैदा किया, इतनी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इसी व्यवस्था ने दी, और आज भी ये उत्तर प्रदेश के बेस्ट मैनेज रूरल पॉकेट्स में से। तो इसको डिसमेंटल करने से पहले आप इस बात को जरूर सोच लीजिए कि इस व्यवस्था में ऐसी क्या खूबी रही होगी जिसके कारण ये आज तक टिकी रही है और एक बड़ी मजबूत व्यवस्था है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसको चलाने वाला एक चेयरमैन या सीईओ था, वो सीधा मुख्यमंत्री की चॉइस से चलता है। इस तरह से
ये व्यवस्था यहाँ के सीधे मुख्यमंत्री चला, मैं व्यवहार रूप से इसको जानता हूं। तो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम अपने वो सारे अधिकार आपको डेलीगेट करने को तैयार नहीं होता है जिनको आज वो एंजॉय करता रहा है, तब तक ये व्यवस्था उतनी आसानी से बदलेगी। ये गोष्ठियां होती रहेंगी, प्रस्ताव जाते रहेंगे, सब इसका बनता है। दूसरा विकल्प है जो गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जो हमारे पुराने टाउनशिप हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व्यवस्था से निकल के यहां है, उनकी भांति दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यहां पर पैदा किए जाए, डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। डेवलपमेंट अथॉरिटी उसी तरह की होगी जैसे नोएडा डेवलपमेंट गाजियाबाद मेरठ, और दूसरा हिस्सा आप एक इलेक्टेड बॉडी बनाए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के नाम से, नोएडा नगर निगम, उसको बनाने के पहले आप जरूर सोचिए कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस गाजियाबाद नगर निगम, मेरठ नगर निगम। मैं तीन नगर निगमों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूं, देहरादून, मेरठ और नोएडा। इनकी बड़ी समस्याएं ये आप जानते हैं, फंड्स की प्रॉब्लम है, स्टाफ की और मैनेजमेंट। तो ये अगर आप उस ढांचे को यहां पर टोटो लाएंगे, फोटोकॉपी करेंगे, तो वह व्यवहार नहीं है और उससे आपको प्रॉब्लम होंगी। तो इसी बात को समझना चाहिए कि आप इवॉल्व करिए और व्यवहारिकता के आधार पर एक तीसरा विकल्प तैयार। उस विकल्प में आप इतने बड़े पैमाने पर, जैसे आपने कहा आपके यहां 133 जनप्रतिनिधि, गाजियाबाद मेरठ में 88 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, इतनी बड़ी संख्या में आप जनप्रतिनिधि बच चुके, डिसेंट्रलाइजेशन करिए मैनेजमेंट लेवल पर और जनप्रतिनिधियों में से तीन हिस्सों से लोग लेके आइए। एक लोग वो हो जो जनप्रतिनिधि हो, दूसरे इस क्षेत्र के अधिकारी हो जिन्हें यह काम करना है, और तीसरा डिफरेंट एक्सपर्टाइज से या सिविल सोसाइटी से उसमें लोगों को लेके आए। इस तरह से एक बैलेंस सिस्टम आप क्रिएट करिए, लेकिन उसको वैधानिक रूप दीजिए। आप उसको चला करके धीरे धीरे बढ़ा करके फिर एक डेवलप्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ला सकते, ये मेरा सुझाव है। बाकी चर्चा आपकी हो चुकी है, समय भी कम है। धन्यवाद।